छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला में आदिवासी इलाका में भूमि अधिग्रहण काफी मात्रा में किए हैं, ये गंभीर मुद्दा है। मोगरा बांध में सिंचाई नाली बनाने के लिए विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण किया गया है। आज से 4 साल पहले मोगरा बैराज का मतलब नाली मतलब आना था, वो आ भी गए हैं और 4 साल पहले मतलब नाली बना है। 4 साल पहले नाली बना है तो वहाँ के जो इंजीनियर आए हैं काम कराने, वो हकीकत रूप से यही बोले कि भाई हम जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो इसी साल आपको पानी देना है और इसी साल आपको पैसा देना है। इस टाइप से हमारे से बात किया और वो लोग ना मतलब जमीन का मतलब अधिग्रहण करके नाली का खुदाई किया। मेरी नाली में कम से कम 60-70 डिसमिल जगह चली गई है। जब से वो जमीन गए हैं तब से हमको किसानी में बहुत परेशानी है। न शासन आज तक हमारे खेती के लिए कोई ध्यान नहीं दिए हैं, न मौजा 1 रुपया हमको अभी तक के नहीं दिए हैं। और जाते हैं जब वहाँ हम लोग ऑफिस में तो उन लोग का कहना है कि ठीक है 1 महीना मिल जाएंगे, 2 महीना मिल जाएंगे, ऐसे बोलते बोलते 4 साल हो गए जो कि आज तक हमें पैसा को कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारा ना तो कोई कागजी कार्रवाई हुआ है, ना कोई चीज नहीं बता रहे हैं हमको अभी तक। और पैसा के लिए मतलब ना आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा, इस टाइप से मतलब ना झांसा में दे करके इतना दिन मतलब ये कर दिए। किसानों के द्वारा समय समय पर जो दस्तावेज विभाग के अफसर या मंत्री उसको समय समय पर जो आवेदन पत्र दिए गए हैं वो इस तरह से है, जैसे 5/10/2009 को एक अनुभागीय अधिकारी डोंगरगांव को आवेदन पत्र दिया गया, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुनः किसानों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 8/10/2009 को कलेक्टर महोदय को राजनांदगांव को ये आवेदन दिया गया है, इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस संबंध में फिर 18/11/2010 को पुनः समस्त किसानों की ओर से एक आवेदन पत्र मोगरा बैराज के अनुभागीय अधिकारी को दिया गया है, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जो भी विकास का योजना शुरू की जाती है इसके लिए प्रभावित किसानों को विश्वास में लिया जाए। जो प्रभावित किसान हैं उनको मुआवजा मिलेगा तो उनकी मानसिक आर्थिक शारीरिक विकास संभव है। जो मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें सरकार के द्वारा मुआवजा मिले। स्वयं कोशिश करूंगी कि इस मुद्दे पर विभागीय अधिकारियों को वीडियो दिखाया जाएगा। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ इंडियन हट के लिए।